There will be a statement later on. देश के विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर नाइजीरिया से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे तो स्वागत के लिए पत्रकारों का जमघट सामने था। पत्रकारों की भीड़ इस उम्मीद में पहुंची थी कि अपने ऊपर लगे यौन शोषण के संगीन आरोपों पर अकबर कुछ बोलेंगे। अकबर बोले भी, मगर ये कि बाद में बोलूंगा। There will be a statement later on. पिछले 10 दिन से एमजे अकबर देश की सियासत की धुरी बने हुए हैं, क्योंकि मीटू नाम के कैंपेन ने अकबर को संदिग्ध बनाकर छोड़ दिया है। एक ही सवाल घूम रहा है कि अकबर इस्तीफा देंगे या नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी अकबर के मामले में बटे हुए हैं। स्मृति ईरानी कहती है कि एमजे अकबर को सफाई देनी चाहिए। रामदास अठावले कहते हैं कि हाँ, उन्हें सफाई देनी ही चाहिए। लेकिन मोदी सरकार में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकबर के बचाव में हैं। मीटू कैंपेन को ही वो सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। किसी का रिजिग्नेशन मांग लेना या सजा दे देना, इसके मतलब कि आरोप लगाए हुए एक जजमेंट है। तो जब ये जजमेंट है तो न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं। बहरहाल, कहने के लिए तो मुशबर जावेद अकबर देश के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं और देश के विदेश राज्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन ये सारी पहचान पीछे छूट चुकी है। नई पहचान यही है कि हर उम्र की महिलाओं ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। कुल 11 महिलाओं ने एमजे अकबर पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 3 महिलाएं विदेशी हैं। एमजे अकबर पर आरोप है कि उन्होंने दफ्तर में महिला का यौन शोषण किया, होटल में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की, महिला पत्रकार को अश्लील मैसेज भेजे, महिला पत्रकार को गलत तरीके से छुआ, महिला पत्रकार पर भद्दे कमेंट किए। मीटू कैंपेन के जरिए लगे यौन शोषण के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि एमजे अकबर पर कुर्सी छोड़ देने का दबाव जबरदस्त है।